अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ हम यहाँ नहीं मैं आपको दिखाऊंगा, बल्कि इसको दिखाने के लिए मैं आपको एक लैब में ले जाऊंगा और वहाँ जाके हम ब्रेन को डायसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो चलें आए साइंस लैब में चलते हैं। ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स तो मैंने आपको पिछले टॉपिक में पढ़ाए हैं, आज हम आपको एक रियल ब्रेन की डायसेक्शन बताते हैं। लेकिन जिस तरह आपने पिछले लेक्चर में देखा था, उसकी कलर्ड पिक्चर थी और उसमें डिफरेंट पार्ट्स आपको क्लियर नज़र आ रहे थे, इसमें वो इतने क्लियर तो नहीं नज़र आएंगे क्योंकि वो कलर्ड नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आप उनको रिकग्नाइज कर सकेंगे। और मैं ये चाहूँगा कि जब मैं वो पार्ट आपको बता रहा हूँ तो साथ साथ आप उसके फंक्शंस रिवाइज करते जाएँ, बताते जाएँ कि अगर ये सेरेबेलम है तो इसका क्या फंक्शन है, और अगर ये डाइसेफेलॉन है या ये हाइपोथैलेमस है तो इसका क्या फंक्शन है। ठीक, इस तरह से आपकी रिवीजन भी बहुत अच्छी होगी और आपको वो चीज़ याद भी हो जाएगी। तो चलें आए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमने ब्रेन की डायसेक्शन स्टार्ट कैसे की है। ये हमने गोट का ब्रेन लिया है, ये ह्यूमन ब्रेन से मिलता जुलता है, ये जिस हड्डी में है इसको हम क्रैनियम कहते हैं। हम सबसे पहले इसको एक कटर से, क्योंकि हड्डी हार्ड होती है तो उसको तोड़ने की बजाय हम उसको कटर से कट करेंगे। ठीक, हम मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये प्रोसीजर हमने फॉलो किया है, ये आहिस्ता आहिस्ता हड्डी कटना शुरू हो जाएगी और हम इसको बिल्कुल सेंटर में से काट रहे हैं ताकि ब्रेन दो हिस्सों में हो जाए। अच्छा, अब ये चूंकि एक लेंथी प्रोसीजर है तो हमने पहले से ही एक ब्रेन को काट के रखा हुआ है आपको दिखाने के लिए। ये देखिए, चूंकि हमने इसको फ्रीज किया हुआ था इस वजह से ये आपको, अब इसको मैंने सेंटर में से काट के दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। इसको मैं थोड़ा सा ड्राई कर लूं ताकि ये इसमें जो वाटरी पोर्शन है वो इसमें से निकले। ये जो हिस्सा नजर आ रहा है ये हार्ड, ये इसकी बोन है। ब्रेन कहां से शुरू हो रहा है? ये हिस्सा ब्रेन शुरू हो रहा है। आई होप कि आप सबको पता होगा कि ये जो बड़ा सा हिस्सा ब्रेन का नजर आ रहा है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम सेरेब्रम कहते हैं। मैं साथ साथ उसको ड्राई भी करता रहूंगा ताकि उसमें वाटर ना आए। अच्छा, ये सबसे बड़ा हिस्सा सेरेब्रम है। अच्छा, एक चीज इसमें बड़ी क्लियर नजर आ रही है और मेरा ख्याल है आप सब उसको आइडेंटिफाई भी कर सकते होंगे, और वो है सेरेब्रम। ये देखिए, ये जो फ्लावर टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है ये सेरेबेलम। आई होप के इसमें थैलेमस और हाइपोथैलेमस दोनों आपको नजर आ रहे होंगे। ये हिस्सा थैलेमस है, हो सकता है कि आपको इतना क्लियर ना हो, अगर आप इसमें देखें तो यहां पे ये वाला हिस्सा थैलेमस है और इसके नीचे ये वाला हिस्सा हाइपोथैलेमस है। ये देखें, इसमें भी आपको सेरेबेलम नजर आ रहा है, ये वाला हिस्सा जो है ये सेरेब्रम है। या चूंकि ये दो होते हैं हम इसको सेरेब्रल हेमिस्फीयर भी कहते हैं। अच्छा, अब इसमें मेडुला किधर है? देखिए, यहां से ये ब्रेन, यहां से स्पाइनल कॉर्ड, ये जो हिस्सा छोटा सा नजर आ रहा है ये वाला, ये पॉन्स हैं। ये जो हिस्सा है ये पॉन्स हैं और इसके नीचे मेडुला ओब्लोंगेटा स्टार्ट हो जाता है। इसमें भी मैं आपको दिखा देता हूं, ये पॉन्स हैं और यहां से ये स्पाइनल कॉर्ड निकलती है, ये हिस्सा कहलाता है मेडुला ओब्लोंगेटा। एक दफा फिर रिपीट कर देता हूं, सेरेबेलम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पॉन्स और यहां मेडुला ओब्लोंगेटा। मेडुला ओब्लोंगेटा इसमें क्लियर नहीं है क्योंकि वो कट चुका है, इसमें जब ब्रेन को निकाला था तो वह हिस्सा इसमें से नीचे से सेपरेट हो गया था। ये जो हड्डी है बाहर जिसके अंदर ये पूरा ब्रेन है इसको हम क्रैनियम कहते हैं। अब इसमें, यहां मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं कि इसमें कौन कौन सा हिस्सा है जो फोर ब्रेन बनाता है, कौन सा हिस्सा मिड ब्रेन बनाता है, कौन सा हिस्सा हाइंड ब्रेन बनाता है? चलें, अब इसी को सामने रखते हुए मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, ये वाला हिस्सा जिसको हमने नाम दिया था
सेरेबेलम का, ये फोर ब्रेन में आता है, मिड ब्रेन में आता है या हाइंड ब्रेन में? ये वाला हिस्सा जो बड़ा सा है, जिसने पूरे ब्रेन को कवर किया हुआ है, इस हिस्से को हम क्या कहते हैं और इसका क्या फंक्शन है? एक और क्वेश्चन है कि यहां पे हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस का क्या फंक्शन है? वो जो आपको मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया डिसेक्शन, वो ब्रेन क्रैनियम में या हड्डी के अंदर था। उसी ब्रेन को, वैसे ही एक ब्रेन को हमने उस हड्डी से बाहर निकाला है, और अब मैं उसको काट के दिखाता हूं आपको कि अगर हम उसको कट करें तो ये चीजें आपको कैसी नजर आएंगी। ये देखें, इसको हम कटर से काट रहे हैं बहुत एहतियात के साथ, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होता है। मुझे उम्मीद है कि ये सारे हिस्से जो हमने देखे हैं वो शायद उसमें इतने क्लियर ना हो। नहीं, क्योंकि ये सॉफ्ट हो गया था, हमने इसको फ्रीज किया हुआ था, तो ये अब कट तो गया है लेकिन अब ये इतना क्लियर नहीं हो आपको नजर आएगा। इसमें आप देख सकते हैं सेरेब्रल हेमिस्फीयर, तो ये देखें, ये जो बड़ा पार्ट है इसका, ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, यहाँ पे आपको हाइपोथैलेमस भी नज़र आ जाएगा, लेकिन इसमें सेरेब्रम क्लियर नहीं है। ठीक है, यस, इसमें एक चीज़ साथ उसके अटैच्ड है और वो है स्पाइनल कॉर्ड। ये देखें आप, ये यहाँ से एक्सटेंड करके बाहर जा रही है। इत्तफाक ऐसा है कि जब ब्रेन उन्होंने निकाला था तो उसके साथ स्पाइनल कॉर्ड भी आ गए। दिस इज स्पाइनल कॉर्ड। अगर आप इसको फ्रीज करके निकालेंगे तो ये फ्रोजन फॉर्म में, तो ये और ज्यादा बेहतर आपको नजर आएगा। जी बच्चों, तो आपने डेफिनेटली एंजॉय किया होगा कि जो ब्रेन का स्ट्रक्चर आपने देखा, लैब साइंस लैब में आपको लेके गया, वहां आपने उसको जब डिसेक्शन में पूरा प्रोसेस आपने देखा कि किस तरह से हमने उसके डिफरेंट पार्ट्स को, ये ऑब्वियसली इतना क्लियर नहीं होगा आपको जितना कि पिक्चर में नजर आता है, लेकिन इसके बावजूद भी आप कुछ मेन हिस्से ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल वाजे नजर आए हैं, जैसे सेरेब्रम है जो सबसे बड़ा हिस्सा है। इसके अलावा आपने उसमें पॉन्स भी बहुत क्लियर देख लिए, और इसके अलावा आपने मेडुला ऑब्लोंगेटा भी बहुत क्लियर देख लिया होगा, और आई होप कि खाली देखा ही नहीं होगा बल्कि आपने इसको इंजॉय भी बहुत किया होगा। ठीक है, इंशाल्लाह आगे एक और भी डिसेक्शन है, वहां भी हम आपको लैब लेके चलेंगे। थैंक यू बेटा।